नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 84, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos क्यू 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos टू दी पावर 3 4x अपॉन एक्स स्क्वायर. नाउ देखो, वी नो मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. यहाँ पे ये लिखा है 1 की पावर 3 माइनस कॉस 4x की पावर 3. सो ये फॉर्मूला अप्लाई किया, सो वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर 4x एंड प्लस cos 4x एंड अपॉन में है x स्क्वायर. नाउ वी नो 1 माइनस cos थीटा होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो थीटा बाई 2, सो यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो 1 माइनस cos 4x ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x. सो वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन 2x स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x एंड इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस cos 4x, और ये जो x स्क्वायर है इसको हम लिख रहे हैं इसके नीचे. ओके, नाउ साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको 1 बनाने के लिए जैसे हमें ये फॉर्मूला पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 होता है. सो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इसे भी 1 शो करेंगे. देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें क्या करेंगे एक्स स्क्वायर में इसको हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. सो मल्टीप्लाई किया, सो आ जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8, ठीक, साइन स्क्वायर 2x अपॉन ये हो जाएगा 4x स्क्वायर. सो इसको वी कैन राइट 2x का होल स्क्वायर. तो अब देखो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. देखो अगर x टेंड्स टू 0 है तो 2x भी 0 को टेंड करेगा, ठीक है. एंड सो ये जो 8 है ये मल्टीप्लाई में, ठीक है. हाँ ये हो जाएगा लिमिट इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस cos 4x. सो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 1 इंटू, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे लिमिट पुट करेंगे. सो ये आ जाएगा 1 प्लस, देखो cos 0 कितना होता है 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, सो 1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे भी cos 0 कितना हो जाएगा 1. सो ये आ जाएगा 8 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3. सो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 दैट इज 24. ऑप्शन सी इज करेक्ट.